गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत स्थानीय मुख्य बाजार और रानीगंज बाजार में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। भारी बारिश ने प्रशासन के जल निकासी के दावे की पोल खोलकर रख दी है। नाले की सही उराही नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं रानीगंज बाजार की बात करें तो नीचे बाजार की स्थिति और भी नरकीय हो गई है। कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं नाले का पानी सड़क पर बहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जल जमाव रहने से झील जैसा नजारा देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इमामगंज और रानीगंज को नगर पंचायत बनने पर ये उम्मीद जगी थी कि इमामगंज और रानीगंज को सूरत बदलेगा। कुछ दिन इसका नजारा देखा गया कि इमामगंज रानीगंज में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ स्थान पर साफ सफाई दिखाई दी, लेकिन सही से नाले की सफाई नहीं होने के कारण आज स्थिति ये हो गई कि इमामगंज और रानीगंज बाजार की सड़क जलमग्न हो गया है। वहीं रानीगंज के मुख्य बाजार में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा बाजार तालाब जैसा नजारा हो गया। कई घरों में और दुकानों में बरसात का पानी घुस गया है, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा इसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रशासन सिर्फ कान में तेल डालकर सो रही है। उनको इस समस्या के प्रति कोई उचित पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण ने कहा कि अगर समय रहते बाजार के नाले की सफाई नहीं की गई, तो आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितना सजग होती है। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। अभी